हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे इफ्तार स्पेशल किचन में बन रहा है स्क्यूअर्स बोटी समोसा। बहुत ही यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो यह मैंने चिकन लिया है बोनलेस और इसको ऐसे कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। तो चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, नमक डालेंगे और अब साथ में ही हम इसके लिए बारीक चौकी हरी मिर्ची डाल देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। सारे मसाले ऐड कर दिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो अब हम बोटी समोसे की पट्टी तैयार करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है, घी लिया है 2 टेबल स्पून, नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून और पानी हसबे ज़रूरत लिया है। इससे हम डो को गूंदेंगे। तो सबसे पहले मैदे में नमक डाल देंगे, नमक डाल दिया, घी ऐड करेंगे और अब इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये देखें, ऐसे जब हम यूँ करेंगे तो ये इस तरीके के इस फॉर्म में आ जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका एक डो गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करें। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसका अच्छे से डो गूंद लिया। अब इसको थोड़ा सा और 1-2 मिनट तक गूंद लें ताकि ये अच्छे से फॉर्म में आ जाए इस तरह से। फिर जब ये अच्छे से गूंद जाएगा ना, फिर आप इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो किचन टॉवल से आप इसको कवर कर दें और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो ये देखिए, 15-20 मिनट बाद मैंने इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। 2 पार्टीशन में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक पेड़ा उठाएंगे और इसको अब हम बेलेंगे। तो ये बहुत करीब कर लिया है, अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलेंगे इसको, तो इस तरह से हमने एक ये बड़ी रोटी बेल लेनी है। तो ये एक बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है, अब इसके साइडों को हम कट कर लेंगे ताकि ये एक शेप में आ जाए। और ये जो कट किया है पार्ट, इसको हटा लेंगे। इसके साइडों को निकाल दिया, अब हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे, इतनी चौड़ी से। ऐसे स्ट्रिप्स काट ली, अभी सारी हटाकर एक रख देंगे। तो ये एक स्ट्रिप्स ले ली, एक बोटी उठाएंगे जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था, ऐसे रख देंगे यहाँ पर और इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। देख सकते हैं आप, इसको ऐसे हम ये फोल्ड करते जाएंगे ऐसे ऐसे। ये फोल्ड कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ये फोल्ड हो गया अच्छे से। अब एक स्क्यूअर लेंगे और इसको ऐसे हम यहाँ से डाल देंगे और ऐसे दूसरे साइड से ये ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारे देखें बोटी समोसा रेडी हो गया। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो सारे स्क्यूअर्स बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं और ये ऑयल गर्म होने के लिए रख दें। हमने फ्लेम मीडियम रखी है। जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें हमारे वो जो बोटी समोसा है
वो इसमें डाल देंगे। तो ऑयल में स्क्यूबर्स डाल देंगे। मैंने एक स्क्यूबर में 2 पीस लगाए हैं। आप बिना स्क्यूबर के भी इसको फ्राई कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, बिना स्क्यूबर के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ऐसे। अब इसको पलटते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ब्राउन हो गए हैं ये चारों तरफ से। तो अब हम इनको निकाल लेंगे स्क्यूबर पकड़ कर इसका, या से आप टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमारा स्क्यूबर्स बोटी समोसा रेडी हो गया है। आप इस सप्ताह में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।